गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? मज़े में हो ना? चलो बच्चों, पहले हमने जो वर्णमाला पढ़ी थी ना, क ख ग, उस वर्णमाला को हम आज पूरा करेंगे। ओके, उससे पहले आपको एक कहानी सुननी है ना, एक मज़ेदार कहानी। तो सुनो ध्यान से, कहानी का शीर्षक है एक चतुर खरगोश। एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, सब तरह के चूहा, खरगोश, बिल्ली, पांडा, और सब खुशी खुशी उस जंगल में रहते थे। और वहाँ पर एक शेर रहता था। शेर देखा है ना आपने? एक शेर रहता था। शेर सब जानवरों को मार के खा जाता था। सब जानवर उससे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सबने इकट्ठे होकर एक दिन सभा बुलाई और उस सभा में ये निर्णय लिया कि हम शेर से जाके बात करेंगे। शेर हमको खा जाएगा तो जंगल में कोई भी नहीं बचेगा। उसके बाद वो सब मिलकर शेर के पास गए और शेर से बोले। शेर ने देखा इतने सारे जानवर एक साथ, तो उसने क्या किया, बोला, आप लोग सब एक साथ क्यों आए हो? जानवरों ने बोला, हमें आपसे बात करनी है। जानवर बोले, हम आपके पास रोज एक जानवर भेजेंगे, उस जानवर को आप खाकर अपनी भूख मिटाना। शेर बोला, ठीक है। उसके बाद जानवर लोग रोज रोज एक जानवर को शेर के पास भेजने लगे और शेर उनको खा लेता था और अपनी भूख मिटा लेता था। फिर एक दिन किसकी बारी आई? एक छोटे खरगोश की बारी आई। वो खरगोश बहुत चतुर था। उसका नंबर आते ही वो दौड़ा दौड़ा शेर के पास गया। शेर ने बोला, तुम तो बहुत छोटे हो, मैं तुमको खाऊंगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा। खरगोश बोला, आपको पता है जंगल में एक दूसरा शेर आया है और वो बोल रहा है कि मैं जंगल का राजा हूं। शेर ने जैसे ही ये सुना उसको बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, चलो मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश और शेर दोनों चले गए। खरगोश शेर को लेकर कहाँ पहुंचा? दूसरे वाले शेर के पास। वो एक ऊंची पहाड़ी पर शेर को लेके गया। नीचे पहाड़ी के पानी बह रहा था। शेर ने जैसे ही पहाड़ी से नीचे देखा तो पानी में उसको अपनी शक्ल दिखाई दी। वो उसी की परछाई थी। फिर खरगोश ने बोला, यहीं पर रहता है दूसरा शेर। शेर ने सोचा, ये तो सच ही बोल रहा है, पानी में भी दूसरा शेर दिख रहा है। तो दूसरे शेर को मारने के लिए शेर ने पानी में छलांग लगा दी और शेर पानी में डूब गया और मर गया। शेर खरगोश बहुत खुश हो गया और दौड़ दौड़ के सब जानवरों के पास आया और उसने आकर सब जानवरों को बोला कि देखो, मैंने शेर को मार दिया। जानवर ने पूछा, कैसे? तो उसने पूरी कहानी सुनाई। बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? यही कि जब भी कोई
मुसीबत आती है तो उसका दूर करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए। ये थी एक चतुर खरगोश की कहानी। मजा आया ना? ओके, तो सब क्लैप करेंगे। चलो बच्चों, अब हम वर्णमाला को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? आगे कौन कौन से अक्षर आते हैं वो पढ़ेंगे। ओके, चलो बच्चों, अब हम हिंदी वर्णमाला को पूरा करते हैं। एक बार पूरी वर्णमाला को हम दोहराएंगे। क ख ग घड़ा, च छ ज झया, ट ठ ड ढड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श स सा ह, छ त्र ज्ञ श्र। आज हम श से श्र तक पढ़ेंगे। श स स ह छ त्र ज्ञ श्र। पहला अक्षर है श। श से शरबत, श से शहर, श से षटकोण, स से समोसा। समोसा पसंद है ना सबको? स से संध्या, संध्या मानी शाम। ह से हलवा, हलवा बच्चों को बहुत पसंद होता है। ह से हथेली। छ से क्षेत्र, छ से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, शंकर भगवान लेते हैं ना हाथ में त्रिशूल। त्र से त्रिभुज। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञानी किसको बोलते हैं? साइंटिस्ट को बोलते हैं ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञान। श्र से श्रमिक, श्र से श्रीमान। चलो बच्चों, फिर से एक बार दोहराते हैं। श से शरबत, श से शहर, श से षटकोण, स से समोसा, स से संध्या, ह से हलवा, ह से हथेली, छ से क्षत्रिय, छ से क्षेत्र, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञान, श्र से श्रमिक, श्र से श्रीमान। अब बच्चों, आप सब अपनी वर्णमाला को दोहराएंगे, घर में याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।